बिहार सियासत की धरती रही है और बिहार के बच्चे बच्चे सियासत की भाषा समझते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भागलपुर विधानसभा सीट से अजीत शर्मा और उसके बाद जो है रोहित पांडे और उसके बाद राजेश वर्मा की एंट्री, कहीं ना कहीं मुकाबला घमासान तो होगा ही, लेकिन इन सबों के बीच आखिरकार भागलपुर का विकास कितना हुआ है यह भी मुद्दा रहेगा। और आज हमारे साथ हमारी जो साथी रिपोर्टर हैं वो विजेता भी हैं और विजेता जो भी है वो दोनों बात करेंगे। और खासकर आज लाजपत पार्क में कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये सब भागलपुर के लोग हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। क्या वाकई में भागलपुर के लोग ये मानते हैं कि भागलपुर का विकास हुआ है, स्मार्ट सिटी के जो सूची में शहर शामिल हो गया है, क्या वाकई में शहर जो है भागलपुर स्मार्ट हुआ है? विजेता, क्या लगता है भागलपुर शहर जो है वो स्मार्ट हो गया है? जी, बाहर से दिखने में तो ये स्मार्ट हुआ है, लेकिन अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ये 5 सालों का काम, मुझे नहीं लगता है ज़रा भी विकास हुआ है। प्लस कोरोना काल में जितने बेरोजगार हुए हैं, जितनों की नौकरियां गई हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आइए जनता से पूछते हैं उनकी क्या राय है। जनता से भी पूछ लेते हैं, लेकिन एक सवाल और रहेगा कि आखिर दो टर्म जो है वर्तमान जो विधायक हैं भागलपुर के, दो बार वो विधायक रहे हैं, लेकिन दो बार में उनकी जो है उनका कार्यशैली क्या रहा है, शहर के लिए उन्होंने क्या करा है, ये भी हम जनता से जानेंगे। ये तो हम चाहेंगे कि आप पहले पूछिए लोगों से। जी मैम, आपका नाम? नंदा जायसवाल नाम है जी। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या सोचती है, मतलब भागलपुर का विकास हुआ है कि नहीं? जो हमारे पहले प्रत्याशी थे और इतने सारे प्रत्याशी आए हैं और जो पहले यहाँ के कार्यकाल में रह चुके हैं, तो उन्होंने कितना विकास किया है भागलपुर का, आप उसके बारे में बताइए। तो विकास तो नहीं किए हैं, बाहर से देखने से लगता है, लेकिन अंदर घुसिएगा तो रोड सब बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, जाने आने में कोरोना काल में महंगाई भी हो गई है, इसमें हम लोग को दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है जी। तो विकास, सड़क के कचरा हाँ, सब आपके गली में, आप जहाँ गली उली सब में कचरा भरा हुआ है, कहीं सफाई नहीं होती। और इस बार चुनाव में आप क्या चाहती है, आप किसको वोट करेंगी? जो विकास करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे। धन्यवाद मैम। आपका नाम? किरण देवी। किरण देवी जी, जी आप बताइए इस चुनाव में आपका क्या मुद्दा है, आप किसे, किस मुद्दे को लेकर किसे वोट करें? देखो यही है कि बेरोजगारी छाया हुआ है, सबसे बड़ी साफ सफाई है ना, विकास होगा तब ना उसी को वोट देंगे। बेरोजगारी कितना हो रहा है, ये सब तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा हुआ 5 साल में कितना आदमी पढ़ लिख करके जो है भटक रहा है, कितना इधर महंगाई कर दिया, आदमी कैसे खाएगा पिएगा, कोरोना काल में बेरोजगार भी हो गया है, कितना का रोजगार खत्म हो गया है, उस पर ध्यान देगा तब ना उसको हम वोट देंगे। अजीत शर्मा जी के कार्य के बारे में बताइए कि उन्होंने बीते वर्ष कितना कार्य किया है और कैसा किया है? ऐसा नहीं हम बोले नहीं किए, लेकिन उस ढंग से नहीं किए जैसा होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग संतुष्ट होते उस तरह से नहीं हुआ है। अभी भी बुलने चलने में कितना भारी दिक्कत है, कचरा भरा हुआ है, वो साफ सफाई नहीं हो रहा है, ये सब तो बहुत प्रॉब्लम होता ही हम लोग को, तब यही सब। आइए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास के पास और वो अब जाके बाकी लोगों से पूछेंगे, उनके ओपिनियन के बारे में जानेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, ये लाजपत पार्क में यहाँ के भागलपुर के लोग हैं और इनसे हम जान लेते हैं, पहले इनसे जान लेते हैं, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। क्या लगता है आप, राजनीति की समझ है? ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जो है बच्चों को सियासत की भाषा समझ में आती है, आपको राजनीति समझ में आती है? नहीं, राजनीति नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं। तो अभी इतना तो आपको समझदारी होगी, जो आपके विधायक हैं अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनको जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनको पहचानते हैं? हाँ। कौन है? अजीत शर्मा। हाँ, राजेश वर्मा को भी पहचान ली? हाँ। राजेश वर्मा को पहचान, रोहित पांडे को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। अच्छा, रानी चौबे को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। चलिए खैर, ये तो बच्ची थी, और भी कई लोग हैं यहाँ से, इनसे ये सब मेच्योर लोग हैं। क्या लगता है भागलपुर का इस बार जो है चुनावी माहौल पूरा तो घमासान होगा ही, क्योंकि चुनावी मैदान में वर्मा शर्मा दुबे चौबे सारे लोग आए हुए हैं, तो इस बार क्या लगता है कि भागलपुर का विकास होकर रहेगा? भागलपुर का तो विकास भैया देख ही रहे हैं, 2-3 साल से हम थिएटर कर रहे हैं भागलपुर में, अभी तक सुनने में आता है, जैसे बुजुर्ग रंगकर्मी लोग कहते हैं कि
आज 10 साल से 20 साल से मांग चल रहा है ऑडिटोरियम का, एगो भागलपुर में ऑडिटोरियम नहीं हुआ है। कलाकार सब यहाँ काम नहीं करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। बिहार में बहुत जगह का स्थिति है, लेकिन भागलपुर का ही, भागलपुर में भी जो है ऑडिटोरियम उस टाइप का है ही नहीं, एक भी ऑडिटोरियम का मांग है। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे सोचा जाएगा, होगा तो फिर। क्या लगता है इस बार जो है भागलपुर की सत्ता किनके हाथों में सौंपी जाए ताकि भागलपुर का विकास हो सके? कोई जो अच्छा काम करेंगे, हो सकते हैं राजेश वर्मा सर अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ की करें हम लोग के ऑडिटोरियम के लिए तो अच्छा होगा, फिर आगे भी देखेंगे। राजेश वर्मा, हाँ। चलिए, ये अनुभव तो होगा सर बरसों से भागलपुर में, काफ़ी कितनी उम्र हो गई, क्या नाम हुआ आपका? मैं ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 62 साल उम्र है। 62 साल की उम्र में आप कितने, ना जाने कितने चुनाव देखे होंगे और एक लंबा अनुभव है आपके अंदर। खासकर भागलपुर के जो वर्तमान में विधायक रहे हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं, खुश हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, ये मेरी राय है कि लखीसराय के बाद जो भी एरिया इधर भागलपुर से यहाँ पीरपैंती तक है, ऐसा लगता नहीं है कि वो बिहार में है। कहे कि यहाँ विकास का मैं तो देख रहा हूँ 25 बरस से, न तो भोलानाथ पुल बना, न हवाई जहाज उड़ा, रोड की स्थिति वैसी ही है, और हमने तो अश्विनी चौबे से लेकर अजीत शर्मा तक को देखा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई सुधार तो बहुत अच्छा। इस बार अखाड़े में शर्मा, वर्मा, चौबे, पांडे, दुबे, भुवानिया सारे लोग हैं, तो इस बार कायाकल्प हो जाएगा भागलपुर का? देखिए, इस बार का जो मुकाबला होगा वो बहुत तगड़ा मुकाबला होगा, ये हमेशा निश्चित आप रखिए कि अभी जो जो आप सुन रहे हैं नाम जिनका नामांकन हो रहा है, उसमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि चर्चा से बाहर थे, अभी चर्चा में आए हैं, अब उनकी क्या पकड़ है, और भी लोग जो हैं उनकी भी पकड़ होगी, इसीलिए मुकाबला कांटे। मौका किसको दीजिएगा? देखिए, ऐसे तो मैं अजीत शर्मा को ही ज़्यादा ये करूँगा, इसलिए कि इन लोगों के तो बारे में मुझे उतनी जानकारी है नहीं। अजीत शर्मा, और भी कई लोग हैं, जैसे देखा जाए जो कि यहाँ के जो लोग हैं तो तकरीबन काफ़ी अनुभवी सारे बुजुर्ग लोग हैं, और ये लोग सारे लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, जो भी बातें होगी जमीन बातें होगी और जमीनी बातें होगी। सर क्या नाम हुआ? विनोद कुमार सिंह, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मेरी उम्र 52 बरस है। अब आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। चलिए, अधिवक्ता जी और पत्रकार जी में आज तो बातें होगी ही, और बातें जब होगी तो बहुत अच्छी बातें होगी। सबसे पहले तो बातें ये होगी कि इस बार जो कि चुनावी मैदान में, पहले भी मैंने बताया दुबे से लेकर चौबे से लेकर पांडे से लेकर भुवानिया तक आ गए हैं, तो कायाकल्प होके रहेगा इस बार? मुझे कोई आशा नहीं है किसी से, इसलिए आशा नहीं है कि सबको देखे हम, शर्मा जी से लेकर चौबे जी तक, चौबे जी से लेकर प्रभात तिवारी सांसद तक, किसी ने भागलपुर के क्षेत्र के लिए ईमानदारी से पूछा जाए तो कोई काम ही नहीं किया है। इस बार चुनावी मैदान में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि पहली बार चुनाव लड़ेंगे? हाँ, होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सवाल है, किसी ने कोई विकास के बारे में नहीं सोचा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा किया था, क्या है स्मार्ट सिटी की परिभाषा? लोगों से पहले पूछिए स्मार्ट सिटी का परिभाषा क्या है, दिखाई दे देने से, चाटो होर्डिंग लगा देने से, चाटो पाइप को रंग देने से, क्या ये स्मार्ट सिटी हो गया? स्मार्ट सिटी का पहला पहचान है स्मार्ट सड़क। स्मार्ट सिटी की पहली परिभाषा है स्मार्ट सड़क। भागलपुर से पीरपैंती चल जाइए, भागलपुर से सुल्तानगंज चले जाइए, घंटों का सफर लगता है। भागलपुर से पीरपैंती जो एक घंटा में लोगों को पहुंचना चाहिए, वह 6 से 7 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भागलपुर के विधायक से, अजीत शर्मा जी से, चौबे जी से, जो भी कैंडिडेट खड़ा है, क्या किया है आज तक इन लोगों ने? आज कोरोना काल में ट्रेन बंद है, यदि हमको भागलपुर से पीरपैंती जाना है तो जो हम 25 रुपये के भाड़ा में चल जाते थे ट्रेन से, आज उसी गाड़ी को 2500 में करके हम पीरपैंती पहुँच रहे हैं, यही विकास है? सरकार अपना कोरोना काल में बतावे कि कौन काम सरकार का है जो बाकी है, यह बचा हुआ है या वो नहीं कर रही है? सिर्फ पब्लिक के लिए करुणा और किसी नेताओं के लिए करुणा नहीं है? नॉमिनेशन जाकर देख लीजिए, कचहरी में मैं बैठता हूँ, नॉमिनेशन जाकर देख लीजिए, सैकड़ों की भीड़ होती है, कहाँ चला गया करुणा? होटल में जाकर देख लीजिए, नॉमिनेशन के बाद सैकड़ों लोग खाना खाने जा रहे हैं। मैं खाना का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोरोना के बारे में पूछना चाह रहा हूँ,
क्या वहाँ कोरोना नहीं आ रहा है? मुझे भागलपुर के जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे किसी से कोई आशा नहीं है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो लाजपा पार्क के मैदान में निडर होकर कह रहा हूँ कि नोटा का बटन दबूंगा। नहीं तो किसी से कोई आशा नहीं होने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि इस बार के मैदान में मान सकते हैं जो पहले विधायक रहे हैं उनके कार्य को देखते हुए आप नाखुश या खुश हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी इस बार पहली बार मैदान में है तो उनसे क्या गिला सको? पहली बार आप किसको कह रहे हैं? राजेश वर्मा जी को जो उपमेयर है भागलपुर के, दीपू भुवनिया को जो यहाँ के मेयर रह चुके हैं, मैं इनका मेयर का कार्य भी देख चुका हूँ। राजेश वर्मा जी का वर्तमान में उपमेयर का भी कार्य देख रहा हूँ। ये लोग बतावे ना कि भागलपुर शहर के लिए क्या किया है, ये लोग बतावे ना कि भागलपुर शहर के लिए क्या किया है। लेकिन आपकी नाराजगी है सभी की। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? अच्छा, आप सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध यादव है। कितनी उम्र हो गई सर? उम्र हो गया 62 साल। भागलपुर के ही हैं सर? जी हाँ, भागलपुर के ही हैं। 62 साल के उम्र में सर तो राजनीति के कई पहलुओं को देखे होंगे। बहुत देखे हैं, सब अपना अपना विकास किया है, भागलपुर का विकास नहीं किया है। अब बच गए मतलब जितने भी बूढ़े या पूर्व है सांसद है या मतलब जाके उस सब को यहाँ से रिटायर करना चाहिए। वो काम के योग्य नहीं है, वो झूठ का जो है वोट मांग रहे हैं। यूथ को मौका दीजिए, हो सकता है कि कुछ कर दे, हालांकि उम्मीद नहीं है परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन उसको मौका दीजिए, शायद हो सकता है वो कर ले। अब बूढ़ा आदमी क्या करेगा जो खुद एक गिलास पानी दूसरे से मौके पीता है, वो क्या कर सकता है? आपका कहने का मतलब युवा हो? हाँ, युवा होना चाहिए। तो युवा में तो अगर देखा राजेश वर्मा जी हैं युवा में हैं, उनको मौका दीजिए, और कोई खड़े हैं उनको मौका दीजिए। और नहीं तो बूढ़े आदमी सबको कहिए, जैसे कि कतेक शराब बंद है और शराब बिक रहा है, 100 रुपये का बोतल जो है 500 में मिल रहा है, पूरा देश में जो है शराब चालू है और बिहार में जो है लागू है, ये कौन तरीका है? बोलिए, झूठ होगा? कितने भी बच्चे लोग जो जेल चले गए पैसों के लोभ में। शराब बंदी, ये शराब लागू होना चाहिए, शराब बंदी या शराब कानून को बंदी को वो करना चाहिए। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, इनका कहना है कि शराब जो है बंद हो गया पूरे। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना रहेगा? आप क्या चाहते हैं, बंद रहे या खुल जाए? नहीं, बंद रहे, शराब तो बंद रहे। नहीं, अभी हमको लगा वहाँ से आप बोल रहे हैं कि खोल। स्वास्थ्य के लिए तो आप भागलपुर के ही हैं? तो हम तो बाहर से भागलपुर कमाने के लिए आए, मेरा काम है मीडियागिरी करते हैं। क्या लगता है इस बार आप विधायक किसको बनाइएगा? बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं कौन कौन है मैदान में? हाँ, जानते हैं। तो किसको चुनिएगा इस बार? जो युवा पीढ़ी के हैं उनको कुछ चुनेंगे। जो युवा पीढ़ी कौन? राजेश वर्मा? हाँ, राजेश वर्मा है, मृणाल शेखर है, सब मृणाल शेखर तो अमरपुर। हाँ, ये है राजेश वर्मा। और क्या? राजेश वर्मा। चलिए, तकरीबन लोगों का जो है विजेता कहना ये है कि यहाँ पर लोग जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है, और इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शकील। मोहम्मद जी, आप उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 65 वर्ष है। 65 वर्ष हो गई। 65 वर्ष की उम्र में राजनीति के कई पहलुओं को देखे होंगे। जी हाँ, मैंने कई पहलुओं को देखा, विधायक से लेकर सांसद को बदलते हुए देखे, बदलता भागलपुर देखने को मिला? भागलपुर तो नहीं बदलता है, और जितने भी विधायक आते हैं वो जो है बदल जाते हैं। वो जो जहाँ जिसके पास 100 रुपया होता है वो लाखपति बन जाते हैं इस तरह से, लेकिन भागलपुर का विकास नहीं होता। और आज तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जो बाहर से हमारे बिहारी लोग आए हैं, प्रवासी लोग, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा होगा, उन लोगों के घर में एक टाइम खाना। ये मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा इस बार जबरदस्त रहेगा। हाँ, और बात है जहाँ तक अजीत शर्मा का, वो सिटिंग MLA हैं, लेकिन वो तो विरोधी पार्टी में हैं, उनका काम जो है वो रखते हैं, लेकिन उस काम को पूर्ण नहीं किया जाता है। और ऐसे दृष्टिकोण में जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी के दृष्टिकोण से जो हमारा भागलपुर जो है वो तो कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारे काम जो अधूरे रह गए, इसलिए विकास के नाम पर। अजीत शर्मा जी जब विधायक बने तो उनका जो है वहाँ पर केंद्र में सरकार नहीं थी, ये भी वजह हो सकती है? केंद्र में भी सरकार नहीं थी और राज्य में भी सरकार नहीं है, जिसके कारण वो जो है अधिक से अधिक कार्य नहीं कर पाए। हाँ, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में आप तो पता होगा कैंडिडेट कितने हैं,
कैंडिडेट तो बहुत सारे उठ चुके हैं, आप देखना है उसमें किसको आप किसको पसंद कीजिएगा। नहीं ये तो मैं नहीं बतलाऊंगा कि मैं किसको पसंद करूंगा। कैसे प्रत्याशी ऐसे व्यक्तियों को पसंद करूंगा कि जो रिटायर हो चुके हैं उसको रिटायर कर दिया जाए, अब नए युवक को जो है चेहरा सामने लाया जाए। बातचीत के लिए शुक्रिया सकेल जी आपका, थैंक यू। तो विजेता, अधिकतर लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है भागलपुर में जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, खासकर जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कई सांसद कई विधायक को बदलते हुए देखा, लेकिन भागलपुर की जो तस्वीर थी वो धरी की धरी ही रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मौका युवाओं को दिया जाए, शायद वो बेहतर कर सके, हालांकि उम्मीद नहीं है। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है युवा को मौका देना बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका युवाओं को देना चाहिए। और जैसा इन सभी लोगों ने कहा कि वह खुश नहीं है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा इतने सालों में कि विकास नहीं हुआ है, तभी ये इनसे नाराज़ है। उन सभी जो विधायक है उनसे नाराज़ है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, या किया भी है तो उतना नहीं किया है कि लोगों को संतुष्ट कर सके।